सबको जय मसीह की। आज जितना भी लोग इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर सभी को आशीष दे। शायद आपके जीवन में आप दुखी होते होंगे, आप बहुत परेशानी से आप गुजर रहे होंगे, जहां आप इवन आप हार मान गए होंगे, बट आज मैं आप सभी के लिए परमेश्वर का तरफ से एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। परमेश्वर हमको अपना सोल्यूशन देके रखा है, हमको के लिए परमेश्वर सोल्यूशन दिया है। डोंट बी सैड, परमेश्वर आपको प्रेम करता है, परमेश्वर आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपको बुला रहा है अपना आप लोग का जीवन में वापस खुशी भर देने के लिए। तो परमेश्वर हमको बाइबल में ये बताता है कि वचन संहिता उसका 37:4 में ये बोलता है कि यहोवा की सेवा में आनंद लेता रह और यहोवा तुझे तेरा मन चाहता देगा। इंग्लिश से भी मैं पढ़ना चाहूँगा, साम नंबर 37:4, टेक डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। ये वर्स में परमेश्वर हमको ये बताता है कि हम परमेश्वर में आनंद लेना चाहिए, हम परमेश्वर में खुशी लेना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर में खुशी लेता है, जब हम परमेश्वर का रास्ता में हम जब आनंद लेता है, तब परमेश्वर हमको जितना दिल का इच्छा है वो हमको देता है। और ये परमेश्वर हमको प्रॉमिस किया है, हमको वचन में हमको बताया है कि परमेश्वर हमको जिंदगी में जितना इच्छा है वो हमको देगा। बोल के अगर हम परमेश्वर में आनंद लेगा, परमेश्वर का रास्ता में हम आनंद लेगा, तो परमेश्वर हमको प्रॉमिस किया है कि हमको जितना दिल का इच्छा है वो हमको पूरा करेगा। वो इसलिए मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि आप जहाँ पे भी हो, जो भी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो, परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा बताता है कि अगर आप परमेश्वर में आनंद लेगा तो आप का जीवन में परमेश्वर आपको खुशी लाएगा। आप अगर जितना भी सक्रीफाइस किया होगा, आप जितना भी आपका लाइफ में आप दुखी से बेहतर होगा, कभी हार मत मानिए। अगर आप परमेश्वर का रास्ता में चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको रास्ता जरूर देगा। आप लोग का जीवन में परमेश्वर कुछ बहुत बड़ा चमत्कार जरूर करेगा। इसलिए आप लोग जब परमेश्वर का रास्ता में जाते हैं, आप लोग के जीवन में अगर प्रॉब्लम भी आएगा, अगर आप लोग जीवन में आप दुख होंगे, बट अगर आप लोग परमेश्वर का रास्ता में चलते हैं तो कभी हार मत मानिए। क्योंकि अगर आप परमेश्वर का नाम लेके आप परमेश्वर का क्रॉस को अगर आप लोग मुक के जाता है, तो आपका जीवन में परमेश्वर जो आप इच्छा रखता है, कभी ना कभी परमेश्वर उसको जरूर पूरा करेगा। हमको इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको बताता है। अगर हम जॉब का कहानी पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि उसका जॉब का जितना बच्चा लोग था, उसका बेटी बेटियाँ था, सबका मौत हो गया था और उसका जितना प्रॉपर्टीज था उससे पूरा छीन लिया था, पर भी जॉब ने एक जगह टिका रहा और वहाँ पे वो स्टैंड फर्म रहा। उसका कारण से वो परमेश्वर में वो आनंद लिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर वो परमेश्वर में आनंद लेगा, अगर वो परमेश्वर में खुशी रहेगा, अगर वो एक जगह में वो टिका रहेगा, तो परमेश्वर उसे और डबल उसे ब्लेसिंग्स देगा बोल के वो विश्वास करता था। अगर हम लोग और आगे में अगर हम लोग जानने के लिए करने से हमको ये पता चलता है कि इवन जो वो बहुत तरफ से टेम्पटेशन आया था कि गॉड को कर्ज करने के लिए, गॉड को खराब से बोलने के लिए, पर भी जॉब ने बोला कि मैं ये दुनिया में नंगा आया तो मैं नंगा ही जाऊँगा। तो वहाँ से हमको पता चलता है कि जॉब कितना सच्चा परमेश्वर का दास था, वो एक जगह में टिका रहा। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जब भी हमको ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने वाला है, हम लोग भी जॉब का जैसा होना चाहिए, हमको एक जगह में हम लोग को टिका रहना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर में खुशी रहता है, जब हम लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जब हम लोग परमेश्वर में टिका रह के बैठते हैं, जब हम लोग स्टैंड फर्म रह के बैठते हैं, तो वो विश्वास का कारण से परमेश्वर हमको जीवन में वो डबल हम लोग को ब्लेसिंग्स देता है। अगर आप जॉब का कहानी सुनने से उसको परमेश्वर ने और डबल बच्चा का ब्लेसिंग्स दे और उसको ज़्यादा उसका संपत्ति और उसको ज़्यादा से ब्लेसिंग जॉब को मिला परमेश्वर का द्वारा से, वहाँ से हम लोग को बहुत ज़्यादा कहानी हमको सीखने को मिलता है। अगर हम लोग दूसरा प्रोफेट्स लोग का कहानी को भी पढ़ने से हमको
लाइक उन लोग का जीवन में भी उन लोग कभी इतना खुशी से नहीं बैठा, उन लोग का लाइफ में भी बहुत टेम्पटेशन आया, उन लोग का जिंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आया, पर भी उन लोग ने परमेश्वर में टिका रहा, उन लोग ने परमेश्वर में आनंद लिया, इसलिए परमेश्वर ने उन लोग को भी डबल डबल ब्लेसिंग्स दिया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग को इस छता से वचन के द्वारा आप लोग को कुछ सीख मिला होगा, आप लोग कुछ समझा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे अपने दिल में रखिए और इसे अपना जीवन में आप लोग सकेगा तो उसको समझने के लिए करिए, क्योंकि जब हम लोग परमेश्वर का थोड़ा थोड़ा बात को हम लोग समझ के जब हम लोग अपने जीवन में यूज़ करते हैं तो हम का जीवन में भी चेंजेस आते हैं, हम लोग का अंदर में होली स्पिरिट हम लोग का काम करता है। तो आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमेन।